बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपको आलू और कोड़ियाँ कह रहे, फुलकियाँ कह लें या बलियाँ कह लें, कुछ भी कह लें, उसकी रेसिपी बताऊंगी, आलू और पकौड़ियों की रेसिपी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, डालेंगे प्याज, ये हमने तकरीबन एक कप इसमें ऑयल डाला है और इसमें दो मीडियम साइज़ की प्याज डाली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे। अब ये फ्राई हो गई है, थोड़ी ब्राउन होना शुरू हो गई है, लाइट ब्राउन, इसको थोड़ा सा और करेंगे। अब इसमें ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चें, ये चार पांच हरी मिर्चें हैं और एक टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें जाएगा। थोड़ा सा एक मिनट के लिए थोड़ा सा भूनेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून हल्दी और एक टीस्पून मिर्चें, लाल मिर्च का पाउडर, और ये नमक मैंने हाफ टी स्पून लिया है क्योंकि ये जो कौड़ियाँ होती हैं इनके अंदर भी नमक होता है, हम बाद में टेस्ट करके और डालेंगे अगर कम ही हो तो। अब इसमें हम टमाटर भी शामिल करते हैं। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाइए और उसको भून लेंगे। अब ये हमारा मसाला जो है और छोड़ चुका है। अब हम इसमें हाफ के जी आलू, आधा किलो आलू इसमें डालेंगे और हम इसकी बनाई डालेंगे, आलू की फ्राई करेंगे। पानी का छिलका लगा लेंगे, फ्राई हो गई है। अब हम इसमें तीन से चार ग्लास पानी डालेंगे क्योंकि आलू भी गलेंगे और फिर हम पकौड़ियाँ शामिल करेंगे, वो भी इसमें नरम होंगे। ये आलू गल गए, देखिए आलू गल चुके हैं, इसमें एक ये आलू अब गल चुके हैं। अब इसमें एक पाव कोड़िए, ये पाव कोड़िए इसमें डाल के पाँच मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये जो आपको शोरबा ज़्यादा नज़र आ रहा है ये सारा इन्होंने पी जाना है, पाँच मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। पाँच मिनट दम लगाने के बाद मैंने 15-20 मिनट ऐसे ही रख दिया था क्योंकि ये इसके अंदर पानी कोड़िए जो है वो ठीक नरम हो जाती है। और ये है इसकी फाइनल लुक, और ये चपाती के साथ, रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।